नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल राउत आपका दिल से स्वागत करता हूँ सक्सेस स्टोरीज हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के इमर्जिंग प्लेयर देवदत्त पड़िक्कल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवदत्त पड़िक्कल का जन्म 7 जुलाई 2000 में इडिप्पल केरला में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पिताजी जिनका नाम बबनू पड़िक्कल, उनकी मम्मी अम्बिला पड़िक्कल और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम चांदनी पड़िक्कल है, जो कि पेशे से लॉयर है और उनके पिताजी पेशे से बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दो स्कूल में कंप्लीट की, पहली आर्मी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में और दूसरी सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल बेंगलोर में। हालांकि वो अभी कॉलेज परसीव कर रहे हैं और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर से ही कर रहे हैं। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे तो उन्हें बिजनेस के चलते उन्हें डिफरेंट सिटी में जाना पड़ता था। वह पहले उनका जन्म इडिप्पल केरला में हुआ, फिर वह शिफ्ट हुए हैदराबाद और फाइनली वो सेटल हो गए बेंगलोर में। 2011 में कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 11 और उनके पहले कोच बने मोहम्मद नसरुद्दीन। और खेलते खेलते उन्होंने इंडिया के लिए अंडर 16 और अंडर 19 कैटेगरी में भी रिप्रेजेंट किया है। और उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए 2017 में जो कि KPL टूर्नामेंट होता है कर्नाटका प्रीमियर लीग कर्नाटका में, जैसे IPL होता है वैसे ही स्टेट में KPL होता है, और उसी में वो बेलेरी टस्कर्स नामक क्लब से जुड़े हुए थे 2017 से ही। और फिर उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए फिर कर्नाटका को उन्होंने रिप्रेजेंट किया रणजी ट्रॉफी में, और उसी के साथ ही 2018-19 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ 28 नवंबर 2018 को अगेंस्ट महाराष्ट्र। और फिर दिसंबर 2018 में वह 20 लाख के बेस प्राइस से ही RCB में शामिल हुए। हालांकि वह शामिल तो हो गए थे RCB में पर उन्हें एक भी चांस नहीं मिला था खेलने का, और उनके अगर वह चांस नहीं मिला और RCB बहुत बुरी तरह खेल रही थी IPL 2019 में, और उनके इसी खराब प्रदर्शन के कारण RCB ने लास्ट फिनिश किया। IPL जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट लीग है और हम उसको इंडिया का त्यौहार भी कहते हैं, उसमें वह सिलेक्ट तो हो गए थे RCB टीम के साथ पर उन्हें खेलने का मौका अभी तक नहीं मिला था। पर हालांकि उन्होंने खेलने का मौका तो नहीं मिला पर उन्हें सीखने का मौका बहुत कुछ मिला विराट कोहली से। और फिर 2019 के विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने डेब्यू किया झारखंड के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को, और वह सीज़न देवदत्त पड़िक्कल के नाम रहा। उन्होंने 11 मैचेस में 609 रन बनाए और अपनी कर्नाटका स्टेट को विजय हजारे ट्रॉफी में नंबर वन स्थिति पे ला दी और बेसिकली चैंपियन बना दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में टॉप स्कोरर बनने के बाद में उनका सिलेक्शन देवदत्त ट्रॉफी में हुआ जो कि वो सिलेक्ट हुए टीम ए के लिए। देवदत्त ट्रॉफी की बात की जाए तो देवदत्त ट्रॉफी में जनरली जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर होते हैं, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी में कैटेगराइज किया जाता है बेस्ट प्लेयर्स को। हालांकि 50 ओवर में तो उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने कैपेबल है। और अब बात थी T20 सीरीज की, तो इंडिया में T20 डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है वह सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी। और सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में उनका डेब्यू 8 नवंबर 2019 को उत्तराखंड के खिलाफ हुआ था। और होना क्या था, कर्नाटका सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी भी जीत गई। और सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में भी जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो बल्कि कोई और नहीं बल्कि देवदत्त पड़िक्कल थे। उन्होंने 580 रन बनाए जो कि सर्वाधिक थे उस सीजन में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी को अपने नाम करते हुए और अब बारी थी IPL की, और इस बार RCB की पूरी टीम को समझ गया था कि 2019 में जो गलती हुई वो इस बार 2020 में नहीं होनी चाहिए। और इनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए इस बार IPL में उन्हें खेलने का, ओपनिंग करने का विराट कोहली के साथ मौका मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर के लिए कि वह किंग कोहली के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में बैटिंग करे।
और विराट कोहली के साथ ओपन करते हुए उन्होंने 15 मैचेस में 473 रन्स बनाए और उसमें से 5 उन्होंने 50 बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर था वो था 74 और उसी साल वह IPL इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे। और IPL 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद और विजय हजारे ट्रॉफी की बारी थी, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो कि फरवरी से मार्च के में चली थी और उसमें जो टॉप रन स्कोरर थे वो थे मुंबई की तरफ से खेलने वाले पृथ्वी शॉ की, उन्होंने 827 रन बनाए और फिर देवदत्त पडिक्कल जो कि सेकंड रन स्कोरर हाईएस्ट रन स्कोरर थे 732 रन के साथ में। और करंटली अगर IPL 2021 की बात करें तो उनके फोर्थ मैच में ही देवदत्त पडिक्कल ने बता दिया कि वह इस ओर बिल्कुल पीछे हटने वाले हैं नहीं, उन्होंने 101 रन नॉट आउट बनाए जो कि सिर्फ 52 बॉल में ही बनाए और उन्होंने अपनी IPL की पहली सेंचुरी बनाई है। तो आई होप देवदत्त पडिक्कल फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आए। तो आप लोगों को इनकी बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।